अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ, खिजुमा सूरमा, अब जूझन को दाओ, खिजुमा सूरमा, अब जूझन को दाओ, 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 खिजुमा सूरमा, अब जूझन को दाओ, खिजुमा सूरमा, अब जूझन को दाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई भी धर्म स्थान, गुरद्वारा साहिबान, वह सिखां लई जान तो वध प्यारे ने। गुरद्वारा श्री पौंटा साहिब जो अजकल हिमाचल विच है, इस गुरद्वारा साहिब ते महंतां दा कब्जा सी, और इस गुरद्वारा साहिब विच जिहड़े महंत सन उस समय, वो बहुत सारियां जिहड़ियां नेगियां वो मर्यादा दे उल्ट गल्लां करदे सन, कम करदे सन, कुकर्म भी करदे सन। जदों इस दा पता लगा मिसल शहीदां तरना दल दे निहंग सिंघां नूं, और उन्होंने 22 मई 1964 नूं जिहड़ा सीगा इस गुरद्वारा साहिब नूं उन्हां महंतां तों आज़ाद करवाउण वास्ते उत्थे गए, और उस समय जिहड़ा सीगा मिसल शहीदां दे जिहड़े साडे तरना दल मिसल शहीदां दे निहंग सिंह जथेबंदी आ, अज कल उन्हां दे मुखी बाबा निहाल सिंह जी जिहड़े ने वो अगवाई कर रहे ने। 11 सिंघां ने शहादत दित्ती, और 11 सिंघां दी शहादत जिहड़ी हैगी उह देण तों बाद ये जिहड़ा गुरद्वारा साहिब आ उस संगती प्रबंध विच आया। सिखां दी सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हर साल इन्हां शहीदां नूं श्रद्धा सत्कार भेंट करदी है, और अज गुरद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे उन्हां शहीदां दी याद विच, गुरद्वारा श्री पौंटा साहिब दे शहीदां दी याद विच गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाया, और इस अखंड पाठ साहिब दा भोग परसों यानी कि ऐतवार जिहड़ा उह सिख संगतां दे सहयोग नाल पाया जाएगा। और समुची साध संगत नूं बेनती है कि वह वध चढ़ के गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे जिहड़ा उह हाजरी भरन, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।